जय हिंद दोस्तों। अगर आप ऐसा कोई भी बिजनेस करते हैं जिसमें आपको अपने किसी भी प्रोडक्ट को, किसी भी तरह के माल को एक से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना होता है, या फिर आप कोई हैवी व्हीकल ड्राइव करते हैं जिसमें आपको ट्रांसपोर्टेशन करना होता है, तो यहाँ पर इन दोनों केसेस में आपको ईवे बिल का जो कॉन्सेप्ट है वो कहीं ना कहीं क्लियर होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि आखिर ये ईवे बिल क्या होता है और आपको इसकी ज़रूरत कब और क्यों पड़ती है। तो दोस्तों, अगर आपको इन सवालों के जवाब नहीं पता है तो आप एक सही वीडियो पर आए हैं, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम अच्छे से जानेंगे, समझेंगे कि आखिर ये ईवे बिल क्या होता है, ईवे बिल को कब और क्यों बनवाया जाता है और किन लोगों के लिए इसको बनवाना बेहद जरूरी होता है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं और जानते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो ईवे बिल होता है ये बेसिकली एक कंप्यूटर द्वारा बनाया गया इलेक्ट्रॉनिक बिल होता है। अब इसको बनवाया तब जाता है जब आप किसी भी तरह के बिजनेस में अपने किसी भी प्रोडक्ट को, किसी भी तरह के माल को एक से दूसरी जगह सप्लाई करते हैं, उसको ट्रांसपोर्टेशन के जरिए पहुंचाते हैं किसी दूसरी जगह पर, और ये जो रेंज है ये 10 किलोमीटर के बाहर होनी चाहिए। यानी कि जो माल आप भेज रहे हैं अगर वो 10 किलोमीटर के दायरे के बाहर आप भेज रहे हैं तो यहां पर आपको ईवे बिल की रिक्वायरमेंट होती है। ऐसे में दोस्तों, ये जो ईवे बिल होता है ये उन लोगों के लिए बनवाना बेहद जरूरी होता है जो 50,000 रुपए से ऊपर का किसी भी तरह का माल ट्रांसपोर्ट करते हैं 10 किलोमीटर की रेंज के बाहर। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका माल की जो कीमत है वो 50,000 से कम है तो यहाँ पर फिर आपको ईवे की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। लेकिन अगर आपका माल 50,000 से ऊपर की रेंज का है, उसकी कॉस्ट 50,000 से ज़्यादा है, तो यहाँ पर आपको ईवे बिल की रिक्वायरमेंट होती है। फिर चाहे आप उसको अपने ही राज्य में कहीं भेजना हो या फिर दूसरे राज्य में भेजना हो। अब दोस्तों जानते हैं कि ईवे बिल को कौन बनवाता है। तो ऐसे में दोस्तों यहां पर तीन लोग होते हैं जो ईवे बिल बनवा सकते हैं। पहला, जो माल को भेज रहा है, यानी कि मान के चलिए मैंने आपको गुड्स को भेजा, मैंने आपको किसी भी तरह का प्रोडक्ट भेजा, तो यहां पर मैं ईवे बिल बनवा सकता हूं। जो रिसीव कर रहा है, जो रिसीवर है, जो उस माल को लेगा, वो भी यहां पर ईवे को बनवा सकता है। इसके साथ यहां पर जो ट्रांसपोर्टर होता है, यानी कि जिसकी गाड़ी में वो माल जा रहा है, वो भी यहां पर इस ईवे बिल को बनवा सकता है। अब दोस्तों बात करें कि आखिर ये ईवे बिल होता है, इसकी वैलिडिटी यानी कि इसकी वैधता क्या होती है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो ईवे बिल होता है ये डिपेंड करता है कि आप कितनी दूरी तक उस माल को भेजना चाहते हैं, उसी पर डिपेंड करती है इसकी वैलिडिटी। जैसे कि अगर हम बात करें 1 से लेकर 100 किलोमीटर की रेंज में अगर आप अपने माल को भेजते हैं तो यहाँ पर इसकी जो वैलिडिटी होती है वो होती है 1 दिन की, यानी कि 24 घंटे के अंदर आप उस माल को 100 किलोमीटर की रेंज में कहीं पर भी सप्लाई कर सकते हैं उस ईवे बिल के साथ। इसके अलावा 100 किलोमीटर से लेके 300 किलोमीटर के अंदर अगर आपको अपना माल भेजना है तो इसमें आपको वैलिडिटी मिलती है 3 दिन की, यानी कि 3 दिन के अंदर आप 100 से लेके 300 किलोमीटर की रेंज में अपने माल को कहीं पर भी भेज सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर अगर आप अपने माल को 300 से 500 किलोमीटर की रेंज में यहाँ पर भेजना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 10 दिन की वैलिडिटी ईवे बिल पर मिलती है। इसी के साथ अगर आपका माल 500 से 1000 किलोमीटर डिस्टेंस पर जा रहा है तो यहाँ पर आपको 15 दिन की ईवे बिल की वैलिडिटी यहाँ पर दी जाती है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि अगर आप ईवे बिल बनवाते हैं तो इसमें क्या क्या जानकारियाँ हैं जो आपको कहीं ना कहीं देनी होती हैं और जिनको देना भी ज़रूरी है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको 3-4 तरह की जानकारियाँ देनी होती हैं। पहला, जो सप्लायर है जो माल को भेज रहा है उसकी फर्म का नाम क्या है, उसकी फर्म की लोकेशन क्या है, उसकी फर्म या फिर उसका जो ओनर है उसका GST नंबर क्या है। ये 3 जानकारियाँ बेहद ज़रूरी होती हैं। यही 3 जानकारियाँ आपका जो रिसीवर होता है, जो माल को रिसीव करता है, उसके बारे में भी वहाँ पर मेंशन होती है। इसके अलावा जो माल भेजा जा रहा है, जो गुड्स जो प्रोडक्ट जो भेजा जा रहा है उसकी जानकारी वहाँ पर मेंशन होती है। जैसे वो कितनी क्वांटिटी में है, अगर बॉक्स हैं, बैग हैं तो कितने बैग हैं, उसकी कॉस्ट क्या है, जो माल भेजा जा रहा है उसकी कीमत कितनी है अगर टैक्सेस को लगाकर वहाँ पर देखा जाए। इसके अलावा वो किस टाइप का गुड है, यानी कि वो किस टाइप का माल है, वो खाने पीने का सामान है, वो कपड़े हैं, वो कोई मैकेनिकल प्रोडक्ट्स हैं, ये सभी जानकारियां वहां पर होती है। इसके अलावा जो ट्रांसपोर्टर होता है, जो उस माल को एक से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करता है, उसके व्हीकल की सारी जानकारियां वहां पर मेंशन होती हैं, उसका GST नंबर अगर है और उसका जो नाम है वो वहां पर मेंशन होता है। तो ये सभी तरह की जानकारियां यहां पर मेंशन होती हैं एक ईवे बिल पर। इसी के साथ एक ईवे बिल नंबर दिया जाता है जो उस डॉक्यूमेंट की पहचान होती है, और ईवे बिल की जो वैलिडिटी होती है वो भी वहां पर कहीं ना कहीं मेंशन होती है। तो दोस्तों ये सभी जानकारियां आपको ईवे बिल पर
पर देखने मिलती हैं अगर आप एक ईबे बिल बनवाते हैं तो। अब दोस्तों बात की जाए कि आखिर इस ईबे बिल को बनाया कहाँ जाता है, तो दोस्तों आम तौर पर जो बिजनेस होते हैं, जो बड़े बड़े बिजनेस होते हैं, वो अपने सीए को हायर करते हैं इस काम को करने के लिए। अपने जो बड़ी कंपनियां हैं वो एक एक दो दो सीए रखती हैं इन कामों को करने के लिए, लेकिन कोई छोटा बिजनेस है तो वो सीए को भी ये अपॉइंट कर सकता है। इसके अलावा ईबे बिल अगर वो खुद बनाना चाहे तो इसके लिए जो वेबसाइट है ईवे बिल की, वहां पर जो ऑफिशियल वेबसाइट आप डिस्प्ले पर देख पा रहे होंगे, इस वेबसाइट पर जाकर आपको लॉगिन करना है और यहां से आप अपने ईवे बिल को आसानी से जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये है कंप्लीट कॉन्सेप्ट कि आखिर ये ईवे बिल होता क्या है, कब और किसको ये बनवाना होता है, इसको बनवाना क्यों जरूरी होता है। दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए।